हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशली आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, एक नया और इनोवेटिव बिजनेस लेके आया हूँ दोस्तों। जो बिजनेस आप होलसेल में भी कर सकते हो, अगर आपका रिटेल काउंटर है, आइसक्रीम पार्लर है, फूड पार्लर है, कोई रेस्टोरेंट है आपका, कोई सोडा शॉप है, तो वहाँ पे भी आप बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। और होलसेल में भी बिजनेस करना है तो भी आप कर सकते हो। इस टाइप के आज के बिजनेस के अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज लेके आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए दोस्तों। गर्मियों में ये बिजनेस धूम मचाने वाला बिजनेस है और गर्मियों में हर एक इंसान को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तभी आपको हर एक मॉडल के बारे में जानकारी मिलेगी और हर एक मॉडल की आपको डिटेल्स मिलेगी कि क्या प्रोडक्ट है, कितने में आपको मेकिंग पड़ेगा, मार्केट में कितने में सेल होगा, कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी की कैपेसिटी है। तो दोस्तों चलिए टाइम गवाए बिना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है दोस्तों आइस क्यूब मशीन, बर्फ बनाने की मशीन की वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों। और इसके अंदर मेरे पास बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स है दोस्तों, स्टार्ट से लेके एंडिंग तक के प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है दोस्तों। तो वीडियो में आपको हर एक प्रोडक्ट्स की मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। मशीन पूरी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक प्लांट है दोस्तों, आइस फैक्ट्री भी आप इसको बोल सकते हो, आइस क्यूब मेकिंग मशीन भी बोल सकते हो, घर के यूज के लिए भी ले सकते हो, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो वहां पे भी ले सकते हो, कोई भी स्मॉल जगह के अंदर आप बैठ के अपना काम कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं, सबसे छोटी हमारी प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, होम यूज के लिए, घर यूज के लिए, आप इसको रेस्टोरेंट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है दोस्तों। ये कहीं पे भी आप उठा के इसको ले जा सकते हो, एकदम पोर्टेबल वेट है, जीरो वेट है, आप देख सकते हो, मैं इतना हाथ में उठा लिया इस प्रोडक्ट को। ये मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटी लिखी हुई है मशीन की, 11 किलो मशीन की वजन है दोस्तों, रोजाना पर डे 12 किलो आइस क्यूब बनाने की कैपेसिटी है इसको, पर डे आप इसके अंदर से 12 किलो आइस क्यूब मेकिंग कर सकते हो। पूरी ऑटोमेटिक है, आपको इसके अंदर ओनली पानी ही डालना है, वाटर देना है, ऑटोमेटिकली आइस क्यूब भर के उसके अंदर आप डाल सकते हो। मशीन के अंदर पूरी सेटिंग दी ली है कि स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, कौन सी साइज का क्यूब आपको चाहिए वो हिसाब से आप सेटिंग ले सकते हो उसके अंदर से। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो रोजाना आपको 25 to 30 kg, 25 से 30 kilo आइस क्यूब मेकिंग इसके अंदर से आप कर सकते हो। ये आप आइस क्यूब मशीन पूरी देख सकते हो, 25 से 30 किलो की कैपेसिटी है इसकी। इसके अंदर इस टाइप का फिल्टर भी मशीन के साथ में आता है, वो पानी भी आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं, मिट्टी और रचकन है, फिल्टर छान लेगा आसानी से। उसके बाद है दोस्तों, पर डे रोजाना 90 से 100 किलो कैपेसिटी वाली आइस क्यूब मशीन है। अगर आपका रिक्वायरमेंट 90 से 100 किलो का रिक्वायरमेंट है पर डे का, तो आप ये आइस क्यूब मशीन ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद की कोई मशीन है तो ये हमारे पास है, पर डे 190 kg, 190 किलो जम्बो प्लांट है। अभी ये बिजनेस आया होलसेल में, अभी तक था रिटेल में, कोई रेस्टोरेंट है वहीं पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से बिजनेस आता है होलसेल में। ये मशीन की रोजाना 190 किलो आइस क्यूब बनाने की कैपेसिटी है। पूरी मशीन ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली पानी का लाइन सप्लाई पीछे दे देना है और मशीन को पावर से प्लग इन कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका आइस क्यूब गिरता रहेगा। ये पूरा स्टोरेज है इसका, जहाँ पे आइस क्यूब गिर के इसके अंदर स्टोर रहेगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 150 किलो तक आइस क्यूब इसके अंदर स्टोर हो सकता है। आप निकालते रहो, पैकिंग करके देते रहो, निकालते रहो, पैकिंग करके देते रहो, 150 किलो जब इसके अंदर आइस क्यूब फुल हो जाता है तब ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है, दूसरा आइस क्यूब बनाती नहीं है। जैसे ही आप उसके अंदर से 5 किलो आइस क्यूब निकाल लिया, दूसरा आइस क्यूब बनना चालू हो जाता है, जब 5 किलो फिल हो जाएगा उसके बाद वापस मशीन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। यहाँ पे इसका टच पैनल दिया गया है, आपको आइस क्यूब का क्वालिटी कैसा चाहिए, थिक चाहिए या थिन चाहिए, वो हिसाब से आप इसको मॉडिफाई और सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। ये मशीन को, मशीन की पर डे पावर कंजक्शन है दोस्तों, 25 से 27 यूनिट पर डे पावर कंजप करती है मशीन, और पर डे 190 किलो आइस क्यूब निकाल सकती है, तो अराउंडली 1.20 रुपये का पर किलो आइस क्यूब आपको मेकिंग गिरता है। रो 1 किलो आइस क्यूब बनाने का खर्चा पड़ेगा 1.20 रुपया, बाजार में सेलिंग प्राइस है 10 रुपये किलो के हिसाब से आइस क्यूब बाजार में सेल होता है। अगर आप पैकिंग कर करके 5-5 किलो का बैग बना के मार्केट में सेल करते हो तो 10 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में सेल कर सकते हो। ये मशीन के अंदर अगर आप आइस क्यूब मेक करते हो तो 1.20 रुपये के अंदर आइस क्यूब आपको मेक होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर की हमारी मशीन है, पर डे रोजाना 290 kg, 290 किलो आइस क्यूब बनाने की कैपेसिटी की क्षमता है। मशीन की पावर कंजप्शन है रोजाना 35 यूनिट, 35 यूनिट तक पावर खाती है मशीन है,
35 यूनिट पावर का आएगी। इसके अंदर भी एवरेज कॉस्टिंग आपको ₹1.20 का एक किलो आइस क्यूब पड़ेगा। फंक्शन दोनों के सेम ही है, वाटर लाइन इनलेट देना है और पावर का प्लग इन देना है, और कुछ नहीं करना है, मशीन चालू करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली पूरा आइस क्यूब मेकिंग भर जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर भी इसका डिटेल तो स्टोरेज दिया है। मशीन के साथ आपको इसमें आरओ प्लांट भी साथ में मिलेगा, वाटर फिल्टर, जैसे उसमें छोटा मिल रहा था तो इसमें इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट आपको मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में मिला जाएगा साथ। उसके बाद मशीन आती है, बड़ी प्लांट है जो हम लाइव डेमो दे रहे हैं आपको, इसका लाइव डेमो बता रहे हैं, यहाँ पे आके लाइव डेमो बताइए हमारे व्यूवर्स को। ये आप देख सकते हो जंबो प्लांट है हमारा, पर डे रोजाना 400 किलो आइस क्यूब मेकिंग बनाने की क्षमता रखती है मशीन है। रोजाना अराउंडली आपको 400 की जो आइस क्यूब बनेगी, और 400 किलो आइस क्यूब बनाने के बाद इसका पावर कंज्यूमेशन है 40 यूनिट्स, 40 यूनिट पावर खाती है 400 किलो आइस क्यूब बनाने में। दोस्तों अगर आप ₹10 के हिसाब से पावर यूनिट गिनेंगे दोस्तों, तो ₹400 का आपका पावर रोजाना खाएगी मशीन। ₹400 के अंदर आपको 400 किलो आइस क्यूब बनाने की कैपेसिटी देगा। ₹1.20 पर किलो कॉस्टिंग आएगा, जिसके अंदर 20 पैसे में आपका मेंटेनेंस आदमी रखा है, साफ सफाई का उसका खर्चा पड़ेगा आपको, इसलिए ₹1.20 का आइस क्यूब मेकिंग कॉस्ट है। मैं आपको इसका डिस्प्ले बताता हूं, यहां पे जरा डिस्प्ले बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये इसका पूरा ऑटोमेटिक डिस्प्ले है, आइस अभी बंद रहा है इसके अंदर से, फ्रीजिंग दिखा रहा है, आप देखिए। यहाँ पे हमने 15 नंबर रखा है, अभी आपको आइस क्यूब को थोड़ा ठीक करना है, झाड़ा करना है, इसको मोटा करना है तो ठीक करके आप इसको 22 नंबर तक कर सकते हो। आइस क्यूब को पतला करना है तो थिन करके आप इसको 4 नंबर तक भी कर सकते हो। अभी -18 का टेम्परेचर है, जहाँ पे आइस क्यूब मेक हो रहा है वहाँ का -18 का टेम्परेचर है। यहाँ पे 41 का टेम्परेचर है कंडेंसर डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ जहाँ कंप्रेसर हीटिंग हो रहा है वहाँ पे उसका टेम्परेचर 41 सेल्सियस का दिखा रहा है। इसका मैं आपको बॉक्स खोल के बताता हूँ दोस्तों, इसमें अभी आइस क्यूब भरा है, देख सकते हैं आप, पूरा टब भर चुका है आइस क्यूब का, इसका पूरा आइस क्यूब यहाँ पे भरा है। और इसका सीट भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको, ये पूरा सीट है इसका, देख सकते हैं आप, पूरा आइस क्यूब मेकिंग होके तैयार हो चुका है दोस्तों, ये पूरा सीट है इसका। उसके बाद में आपको दूसरा आइस क्यूब, इसमें इसका स्पून भी दिया गया, आप देखिए इसका स्पून है। कोई कस्टमर आपको वेट के ऊपर देना है किसी को भर भर के, तो आप ये पूरा क्यूब भर के दे सकते हो, आप देख सकते हो ऐसा स्पून बन के आप दे सकते हो अपने कस्टमर को आइस क्यूब का, जितना उनको रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप उनको आइस क्यूब बाजार में दे सकते हो। खुद का रेस्टोरेंट है, खुद यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में सेल करो, कोई दिक्कत नहीं, होलसेल में बेचो, रिटेल में बेचो, जैसे भी बेचना है, स्मॉल इन स्मॉल जगह के अंदर आप अपना एक आइस फैक्ट्री डाल सकते हो, पूरी ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर। आप देख सकते हो दोस्तों, ये सब आइस क्यूब का सीट निकला हुआ है मशीन के अंदर से, ये सब सीट बनके तैयार है। तो दोस्तों आपको बताया, अभी का बेहतरीन बिजनेस आपको इस टाइप का आइस क्यूब का बिजनेस करना है, आइस बेचना है, बर्फ का बिजनेस करना है, क्योंकि बर्फ का बिजनेस करने के लिए, बर्फ का फैक्ट्री डालने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, पानी का टंकी लगाओ, इतना बड़ा उसका फ्रीजर लगाओ, बड़े बड़े कंप्रेसर लगाओ, उसके बाद आइस का फैक्ट्री डाला जाता है। लेकिन ये दोस्तों हमारे पास जितने भी आपको मॉडल बताए, खास करके 1, 2 और 3 जो बड़े प्लांट हमने बताए, जो होलसेल प्रोडक्ट के लिए, होलसेल सेलिंग के लिए, जिसके आप होलसेल में आइस बना के बाजार में सेल कर सकते हो, तो ये 3 प्लांट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट भी आप होलसेल में कर सकते हो, और ये दोनों प्लांट है आपको होम यूज करना है, या आपका कोई रेस्टोरेंट है वहां पे रखने के लिए आप ये 2 प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चारों 4 प्लांट आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। रोजाना अगर आप पूरे का पूरा 400 किलो आइस क्यूब उसमें से खत्म करते हो, ₹10 के हिसाब से 400 किलो आपका आइस क्यूब टोटल सेलिंग ₹4,000 का सेलिंग होगा, जो बनाने का खर्चा आपको ₹500 से ₹600 खर्चा होता है, और मार्केट में सेल होता है ₹4,000 में। आदमी का खर्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के ₹3,000 का नेट प्रॉफिट रोजाना मिलता है दोस्तों, ₹3,000 नेट प्रॉफिट एवरी डे ये बिजनेस करके आपको मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह की दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। मशीन की क्या प्राइस है, मशीन में क्या डिस्काउंट चल रहा है, मशीन के साथ क्या सामान फ्री में मिल रहा है, हर एक जानकारी डिटेल्स के लिए हमारी कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।